हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इजी कुकिंग प्रोसेस चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आलू और बेसन से 5 मिनट में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा नाश्ता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 आलू को कद्दूकस करके अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई हरा धनिया और साथ में डालेंगे 1/4 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब हम इसमें नमक और 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की मदद से इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैंने इनमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम सारे मिक्सचर को पैन में डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे सारे मिक्सचर को और इसको गोल शेप में कर लेंगे। हम इनको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नीचे से ये थोड़ा सा ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब हम इनको पलट देंगे। तो पलटने के लिए हम एक प्लेट लेंगे, प्लेट को रख कर हम पलटें ताकि आलू की जो मिक्सचर है वो टूट ना जाए और पलटने में भी आसान। आप देख सकते हैं ये साइड हमारी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम सेम पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और आलू की जो दूसरी साइड है उसे फ्राई होने के लिए हम रख देंगे और हाँ, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आलू की दोनों साइड भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो है ना, 5 मिनट में बनने वाला ये आसान सा नाश्ता। आपका जब भी मन करे आप बनाकर खाइएगा और अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।